पो बाद में माँ। 4 बजे उठ के के करता दादी? मारी करता पानी लेता कुआं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं रवि बाबू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी आपको पीछे दिख रहे हैं ये मिट्टी के कच्चे मकान हैं और ये हमारे गांव में यहां पर एक बूढ़ी दादी जी रहती है। अभी अंदर बैठी है दादी जी और पुनीत आया है मेरे साथ। पुनीत आ जाओ एक बार, बहुत दिनों बाद आया है कुरुक्षेत्र से। मेरी दादी जी है, पुनीत की है नानी जी। तो दोस्तों, आज हम दादी जी मिलेंगे और दादी जी है ना मिट्टी के बर्तन बनाती है, मिट्टी के घड़े बनाती है और कैसे अपना जीवन यापन करती है आज हम देखेंगे, उनका लाइफस्टाइल देखेंगे। हमारे गांव में ही रहती है, हमारे घर के पास ही है। आप देख सकते हैं ये मिट्टी के मतलब उस तरफ गड़े पड़े हैं अभी, और मैं आपको दिखाऊंगा। दादी जी भी बैठी है उस तरफ, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं दोस्तों, मिट्टी के बर्तन पड़े हैं यहाँ पर दादी जी के द्वारा बनाए गए। ये देखिएगा आप, बहुत ही प्यारे प्यारे बर्तन है ना मिट्टी के। पुराना जमाना याद आ गया हमें। ये क्या मिट्टी के है ना ये देख सकते हैं आप। ये मुझे तो पता नहीं क्या है। और ये देखिएगा मिट्टी के बहुत ज्यादा बर्तन पड़े हैं और दादी जी बैठी है उस तरफ। दादी जी से अभी हम मिलेंगे। दोस्तों ये गमले हैं, आप देख सकते हैं ये मटके हैं, छोटे मटके बड़े मटके आपको सब तरह के मिलेंगे। और ये है ना ये पक्षियों के लिए है ना, पानी वाली गर्मियों के अंदर हम पक्षियों के लिए पानी के लिए लेकर जाते हैं यहाँ से। और यहाँ पर जो मटके वगैरह फूट जाते हैं ना वो पड़े हैं ये। और ये जगह आप देख सकते हैं, यहाँ पर बट्टी लगाई जाती है यहाँ पर है ना दादी जी, बट्टी लगाई जाती है यहाँ पर मटके पकाने के लिए। कच्चे मटके होते हैं ना, उनको तैयार करके पक्का किया जाता है। तो दोस्तों अभी हमारी दादी जी है, दादी जी के मिलते हैं, ठीक है। एक तो हमारे आप समेर को जानते हो, समेर की दादी जी है और पास में है हमारी ये दादी जी जो मिट्टी के बर्तन बनाती है, ठीक है। वो जो मिट्टी का काम करते हैं ना उनको हम बोलते हैं गांव में कुम्हार बोलते हैं। तो दादी जी हमारी, राम राम दादी जी। राम राम, ठीक राम, हो राम, राम, और राजी खुशी है सारा परिवार में? हाँ, राजी खुशी है। अच्छा, मटका बनाना दादी जी बोला कि मैं फागण में चलू कर रहा हूँ। तो मिट्टी के मटके होते हैं ना वो दादी जी, मतलब आगे फागण का महीना आएगा, ठीक है। अभी कौन सा महीना चल रहा दादी जी? माँ लग रही है, माँ फागण है ये हम लोग नहीं जानते हैं। जनवरी फरवरी सिखाया हमें तो यही जानते हैं। माँ फागण है, 12 महीने होते हैं दादी जी, सब जानते हो ना। लग जा माँ में फागण के बाद में, फागण में मिट्टी मिट्टी काम करा। फागण के बाद में चेक मन ना खोट चेता दन कोनी मैं दन कोनी इतने। अच्छा अच्छा, और समेर की दादी जी बैठी है, देखो दादी जी बोलो कुछ, ऐसे कैसे बैठे हो, क्या हो गया? फागण फागण के बाद में क्या आई? चेत चेत के बाद में, चेत के बाद में बैसाख, और बाद में जेठ, और बाद में फिर साढ़ आई, बाद में फिर सावन है, फिर बाद वो फिर आसोद, फिर दियाली काती काती आई काती, फिर काती बाद में मिंगसर। अरे मिंगसर बाद में दादी पो बाद में माँ 12 हो गया भाई। जनवरी फरवरी ऐसे होते हैं ना, ऐसे ये होते हैं हमारे भारतीय कैलेंडर के अंदर अनुसार 12 होते हैं ये, ठीक है। और जो ये आप देख रहे हैं ना, कैमरा मैन थोड़ा सा दिखाना घुमा के, ये जो आप सारी की सारी जगह देख रहे हैं ना, ये मतलब दादी जी को मिली है ना दादी जी? मोदी सरकार ने दी है। गाँव में जो मिट्टी का काम करते हैं ना कुम्हार होते हैं उनको दी जाती है ये यहाँ पर हमारे गाँव में। और भाई सबसे हाथ जोड़ के मेरा एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तनों का यूज़ किया करो यार, ठीक है। मतलब कुम्हार जो होते हैं वो गरीब ही होते हैं दादी जी, ठीक है। बीमारी कौन लगा? हाँ, मिट्टी के बर्तन बेच कर ही अपना वो घर चलाते हैं। बीमारी कौन लगा? ठीक है, तू ये बोल देख माँ, बीमारी वो नहीं लगती है मिट्टी के बर्तन अच्छे होते हैं। बीमारी कौन लगा? अगर हम मिट्टी के बर्तन में सब्जी बनाए तो और भी अच्छा रहता है। मिट्टी की परात है, मिट्टी के बर्तन हो गए, मिट्टी का गिलास, मिट्टी के कप, सब कुछ बनाते हैं दादी जी यहाँ पर। चूल्हा भी मिट्टी का, चूल्हा भी मिट्टी का, गमले बर्तन पीने के, पक्षियों के लिए वो सोरे बनाते हैं गर्मियों के अंदर।
हाँ बहुत मतलब बहुत ही अच्छी सेवा देते हैं हमारे गांव में दादी जी। तंदूर भी बनाते हैं, तंदूर तंदूर रोटी बनाने के लिए तंदूर, हरियाणा पंजाब के अंदर ज्यादा, पंजाब के अंदर ज्यादा बनाते हैं ना तंदूर पर रोटी, पंजाब के अंदर बनाते हैं। हरियाणा में भी बनाते हैं तंदूर के ऊपर। तो भाई ज्यादा से ज्यादा मतलब आप ना बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठा करो, सब कुछ नहीं रखा है मोबाइल के पास, कुछ देर बैठा करो अपने बुजुर्गों के पास, ठीक है? तो बूढ़े बुजुर्गों से ज्यादा प्रेम करो। और दादी जी आप ही बोल दो कुछ, आप क्या बोलो अपने जो परिवार के लिए, कुछ गांव के लिए समझाओ, अक्ल दो, पढ़ाओ उनको, पढ़ाओ, लड़ाई ना करो, हाँ लड़ाई झगड़ा ना करो, बूढ़े बुजुर्गों के से प्यार से रहे, दादी दादा की सेवा करे, यही है ना दादी जी? और कुछ नहीं जाएगा, जो इस धरा का है वो इस धरा पे धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है? कुछ साथ में नहीं जाएगा, बस हम जो कर्म करेंगे वही साथ जाएगा दादी जी, साथ कुछ नहीं जाना, ठीक है दोस्तों? तो हमारी दादी जी को हमने दिखा दिया है, ये थी हमारी दादी जी, आज के लिए इतना ही दोस्तों। और दादी जी की वीडियो को है ना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना, ठीक है? जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, एक तरफ से सेवा करते हैं, ये मिट्टी के बर्तन बनाकर हमारे देश को बचाने का काम कर रहे हैं, ठीक है? दीपावली आएगी, होली आएगी, तो दिए बनाते हैं, ठीक है? और हमारे जो गोगन मम्मी आती है उसके ऊपर घोड़े बनाते हैं, घोड़े, ठीक है? तो भाई ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के बर्तनों का यूज करा करो, और जो कुम्हार होते हैं ना उनसे ज्यादा से ज्यादा बर्तन है मिट्टी के वो खरीदा करो आप, ठीक है? रोग नहीं लगेंगे, प्लास्टिक वाले होते हैं, स्टील वाले होते हैं, इनसे रोग अनेक प्रकार के लोग लगते हैं। मिट्टी के बर्तन के अगर आप खाना खाओगे ना बीमारी नहीं लगेगी, आप स्वस्थ रहोगे और आप लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ोगे। तो आप, आपको पता है लंबे समय तक आप मतलब आपकी उम्र भी लंबी होगी मिट्टी के बर्तन से। ओ दादी जी पहले जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो मिट्टी के बर्तन में खाते थे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की देचकी, हाँ मिट्टी की देचकी, थोड़ी बनावा तो। और अब वाले तो दादी जी कमजोर से हो गए ना लड़के, सभी लड़के सटील हो गया, सटील जैसे ये लड़के लड़के पैदा होने लगे हैं, सटील हो गया लोग कमजोर। पहले बुजुर्ग बहुत ज्यादा मजबूत थे, काम भी बहुत ज्यादा करते थे दादी जी, और पहला सवेरे सवेरे कितना बजे उठता दादी? चार बजे उठ के क्या करता दादी? पानी काटता, पानी डालता, कुआं हो, कुआं होता नहीं अपने गांव में, खाली पड़ा कुआं होता पहले बहुत ज्यादा हमारे गांव, अभी भी कुएं है हमारे गांव में, वही बिलोनो काल जंती दूध को सुबह-सुबह, हां ये बिलोंती है, सुबह-सुबह बहुत ज्यादा काम करते थे। और आजकल के लुगाईयां तो उठाई कोनी, ऑनलाइन हो गया सारा, वो बिजली से तैयार होती है लस्सी भी, मोटर लगा देगी वो छोड़ देगी अपने आप तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो भाई अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आप कुछ करो, ठीक है? हमारी संस्कृति है, हमारे लिए सब कुछ है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दादी जी की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मैम। डंगरान क्या करे?